से जारी निजी स्कूल फीस विवाद को रोकने के लिए अशासकीय विद्यालय फीस विनियम विधेयक 2020 पारित हो गया है और कहा जा रहा है कि स्कूल फीस व्यवस्था के अनुसार तय करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि अभी अधिनियम का ढांचा तैयार हुआ है, जैसे ही तीन कमेटी होंगी जिसमें पहले एक समिति स्कूल स्तर पर, एक समिति जिला स्तर पर और एक समिति राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्या ने। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, ये विधेयक पास हुआ है तो इसमें क्या खासियत है, इसका संचालन किस तरह से होगा? देखिए, कल ही हम लोगों ने अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम बनाया है उसमें, और चूंकि अभी पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कोई नियम और कानून नहीं था, पालक हमेशा शिकायत करते थे कि विद्यालय अशासकीय विद्यालयों में फीस अधिक ली जा रही है, ये हमेशा से शिकायत करते। अब हम लोगों ने जो अधिनियम के माध्यम से ये तय कर रहे हैं कि अशासकीय महाविद्यालयों में पालक ही फीस तय करें, क्योंकि उस कमेटी में उनकी भी उपस्थिति रहेगी, चार पालक वहां पर रहेंगे कलेक्टर द्वारा नामांकित, चार पालक रहेंगे वहां के प्रबंधन के द्वारा नामांकित, एक कलेक्टर का प्रतिनिधि रहेगा और वहां के प्राचार्य उसके सचिव रहेंगे, तो वो समिति इतना सक्षम रहेगा कि विद्यालय में अगर जब फीस ली जा रही है किन किन कारणों से उसको लिया जा रहा है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, बस की सुविधाएं हैं, ग्राउंड की सुविधाएं हैं, पढ़ने के लिए और भी वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इन सारी चीजों को वो कमेटी देखेगा और फीस का जो प्रस्ताव होगा उसमें विचार करेगी कि इतना फीस देने लायक है या इसको कम कर सकते हैं या उसको अधिक कर सकते हैं। तो अभी आपने शिक्षा मंत्री को सुना, जिनका साफ कहना है कि अब पालकों के हाथ में है कि स्कूल का फीस कितना होगा और उनके व्यवस्था को देखते हुए फीस का निर्धारण होगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। बात अब इंदौर की होगी जहां पर